हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक नया चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल साइंस से कोई ना कोई क्वेश्चन इसका अवश्य रूप से पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो आरपीएससी का हो, चाहे वो एसएससी का हो, या कोई भी कंबाइंड सर्विस हो, हर किसी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन, दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, इससे निश्चित रूप से कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन, देखो ये रेस्पिरेशन वर्ड आपके दिमाग में अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो बिल्कुल कंफ्यूज कर रहा होगा, क्योंकि वहां भी आया था ये फोटो रेस्पिरेशन था, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन था प्रकाश श्वसन। तो देखो इनमें डिफरेंस है कि ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है और ये हमेशा चलता है, इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके अंदर वास्तव में ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और CO2 को निकाला जाता है। जो भोजन है इनकी, जो ग्लूकोज है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज होता है, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से CO2 बाहर निकलती है और ATP एनर्जी यहाँ पर मिलती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। वैसे हम पढ़ेंगे तो साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों भाग लेते हैं, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रियल श्वसन जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ये ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का प्रवेश होता है, CO2 बाहर निकलती है, लेकिन एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता, तो इसलिए ये एक डबली वेस्ट प्रोसेस है। तो रेस्पिरेशन, देखो हम चाहे केवल ये नहीं कह सकते भाई ऑक्सीजन का लेना, CO2 का बाहर निकालना केवल यही श्वसन है, नहीं, ऑक्सीजन का लेना, अब उस ऑक्सीजन के अंदर जाने के बाद सेल के अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं से कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और कैसे CO2 बाहर निकलती है और फिर जिससे हम बाहर निकालते हैं, मतलब CO2 का प्रोडक्शन कैसे होता है जिस CO2 को हम बाहर निकालते हैं एनवायरमेंट में, तो ये पूरा प्रोसेस है, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जब प्रवेश करता है तो उस मॉलिक्यूल के प्रवेश करने के बाद एक मॉलिक्यूल जब CO2 का निकलता है, तब तक की जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे होती है, इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो यहां रेस्पिरेशन जो है वो दो प्रकार से, चाहे तो वो एरोबिक और चाहे वो एनएरोबिक। तो हम भोजन में कुछ भी खाएं, देखो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, कोई भी है, सेल का जो भोजन होता है वो ग्लूकोज होता है, ये समझिए, सेल जो खाएगी वो ग्लूकोज खाएगी, हम चाहे कुछ भी खाएं, तो हमारे जो आते हैं या प्लांट्स के अंदर जो दिन के समय जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें भोजन जो है वो ग्लूकोज के रूप में बनता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है, लेकिन फ्लोएम के अंदर चलता है वो सुक्रोज के रूप में चलता है, डाइसेकेराइड के रूप में। तो सेल्स के अंदर जब एब्जॉर्ब होगा तो फिर वो टूटेगा ग्लूकोज में सुक्रोज और फ्रुक्टोज में। तो मेनली जो हमारा सबस्टेट है रेस्पिरेशन के लिए, जो सब्सट्रेट है वो ग्लूकोज है, हर रिएक्शन ग्लूकोज से ही स्टार्ट होती है। तो देखो ग्लूकोज की रिएक्शन या सॉरी रेस्पिरेशन की C6H12O6 प्लस O2 इज इक्वल टू, यहां पर बनते हैं 6 मॉलिक्यूल CO2 के प्लस 6 मॉलिक्यूल H2O के प्लस एनर्जी बनती है, दिस इज द मेन थिंग, एनर्जी होती है 6 CO2।
तो दिस इज द रेस्पिरेशन रिएक्शन। और जो एनर्जी यहां पर बन रही है, ये एनर्जी आपको मिलेगी दो तरह से। एक तो अच्छा कितनी मिलती है, ये भी है कि कितनी मिल रही है। तो देखो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जो रिएक्शन है, यहां पर हमको 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। 686 किलो कैलोरी एनर्जी। अब जो 686 किलो कैलोरी एनर्जी है, ये एनर्जी दो भागों में बटी हुई है कि आप जानते हैं कि एनर्जी का ट्रांसफर जब एक जीव से दूसरे जीव में होता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के अंदर, तो 10% का नियम है कि केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी 90% एनर्जी एनवायरमेंट में रिलीज होती है। तो देखो वही बात है कि यहां पर जो एनर्जी जो निकल रही है, 686 किलो कैलोरी जो बाहर आ रही है, इस एनर्जी को यहां पर एटीपी में बदला जाएगा और बाकी जो कुछ बची है वो एनर्जी हीट के रूप में एनवायरमेंट में निकलेगी। अब ये जो एटीपी है, इस एटीपी का निर्माण प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर अलग होता है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम देखें तो अलग होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये लगभग 30 एटीपी का निर्माण करता है, सॉरी 32 एटीपी का, और ये यहाँ पर 36 या 38 एटीपी यहाँ पर बनाता है। तो हम देखेंगे कैसे बनाता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो 180 ग्राम यानी कि ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल है, वन मोल ऑफ ग्लूकोज, इसका जो वेट है वो 180 ग्राम, मतलब 180 है। तो इसमें जब हम 180 ग्राम ग्लूकोज खा रहे हैं तब हमको 686 किलो एनर्जी प्राप्त हो रही है। और इतने एटीपी प्राप्त होते हैं, निश्चित फुल यानी कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन भोजन का पूरा ऑक्सीकरण जब होता है तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऑक्सीकरण होने से यह ये 686 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और या अगर देखें तो 686 में से जो एटीपी है वो हमारे पास ये है 36 एटीपी और हीट के रूप में लॉस हो जाता है। अब हम देखें तो एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है देखो कि जो हम भोजन के रूप में फैट भी ले सकते हैं, प्रोटीन भी खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी खाते हैं, सब खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी खाते हैं, इन सब का पाचन होता है। अब देखो बात यह है कि अगर हमारे सेल में या हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है तो इनका यूज नहीं होता है, और अगर हमारे सेल को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में फैट और प्रोटीन का नंबर आता है। तो जब कार्बोहाइड्रेट और फैट से यानी कि इन दोनों से अगर देखा जाए तो लगभग 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। लेकिन जब अगर फैट की बात आती है तो इससे लगभग 9.2 या 9.6 के आसपास किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तो सेम है लेकिन फैट जो है इससे बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। तो हम चाहे कुछ भी खाएं, अब बात आती है यहां पर कि हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन खा रहे हैं या फैट खा रहे हैं, कुछ भी खाएं, लेकिन हमारी सेल हमेशा भोजन ग्लूकोज के रूप में लेती है, ये ध्यान रखना। सेल हमेशा ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन लेती है और किसी फॉर्म में वो अपना भोजन नहीं लेती। जब ग्लूकोज
अब यहाँ देखो कि भाई ये तो प्रोटीन ऐसे ग्लूकोज है नहीं, यहाँ पर फैट ऐसे ग्लूकोज है नहीं, केवल कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है। और जो कार्बोहाइड्रेट में कौन सा खा रहे हैं, हम चाहे कोई सा ही खाएं लेकिन भोजन क्या बनेगा, ग्लूकोज। हमारे सेल ऑफ एब्जॉर्ब केवल ग्लूकोज करेगी, ब्लड के अंदर जो जाएगा वो केवल ग्लूकोज जाएगा, ठीक है। तो फैट और प्रोटीन ये भी अगर मान लो ये नहीं है कार्बोहाइड्रेट हमारे पास और ये हमारे पास सब्सट्रेट के रूप में है, तो इनको पहले ग्लूकोज से बदला जाएगा और तब जाकर के इसे रेस्पिरेशन की क्रिया स्टार्ट की जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर भोजन करेंगे तो ही रेस्पिरेशन होगा, ध्यान रहे रेस्पिरेशन 24 आवर्स 7 डेज एंड 365 डेज लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें कोई रुकावट नहीं आती है। इसमें रुकावट का मतलब सीधा डेथ होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, दिन के समय हो सकता है, रात्रि में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से होता है। लेकिन यहां चाहे वो पादप है चाहे जंतु है, हर किसी के अंदर रेस्पिरेशन में, पहली बात तो हमेशा रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ली जाती है और CO2 बाहर निकाली जाती है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात, यह लगातार चलने वाली क्रिया, इसमें कोई रुकावट नहीं आती है, इसलिए हम चाहे भोजन करें या ना करें लेकिन रेस्पिरेशन लगातार चलेगा। एनर्जी कम मिलेगी, हम हो सकता है काम करना बंद कर दें क्योंकि एनर्जी नहीं रही शरीर के अंदर, एनर्जी कम मिलेगी। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं तो फिर प्रोटीन से मिलेगी, हमारे शरीर के अंदर जो जमा प्रोटीन्स हैं उनसे मिलेगी। अगर प्रोटीन खत्म हो गई तो फिर जमा हुआ जो फैट है उससे मिलेगी, लेकिन एनर्जी मिलेगी, रेस्पिरेशन चलेगा। अब कितने दिन चलेगा, ये उस बॉडी के अंदर उपस्थित फैट प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर होता है। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है ये इसकी क्रिया को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे मान लो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यानी उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से जैसे C6H12O6, तो यहां पर 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन इससे 6 CO2 के रूप में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, और एनर्जी मिल जाएगी और H2 बन जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। यानी कि यहीं पर ये जो ग्लूकोज हमने खाया है, इस ग्लूकोज से 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, निकल गया, H2 बन गया, एनर्जी मिल गई, बस काम खत्म। अब इस प्रक्रिया को यहां से और यहां तक की जो प्रक्रिया है इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। तो पहली जो प्रक्रिया है उसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इस प्रक्रिया में जो ग्लाइकोलाइसिस है, इस प्रक्रिया में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज जो है इस ग्लूकोज से, इसमें देखो 6 कार्बन होते हैं, ठीक है, इस ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पाइरूविक एसिड के बनते हैं, ठीक। दूसरी जो रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, इस क्रिया डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, इस क्रिया में जो पाइरूविक एसिड है इससे एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है और एसिटिल कोएंजाइम ए से एसिटिल कोएंजाइम ए इसका सबस्ट्रेट है और ये क्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, ये आपको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है ये क्रिया। उसके बाद जो तीसरी रिएक्शन है इसकी वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चेन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होता है, इनर मेम्ब्रेन में होता है। तो देखो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो ग्लाइकोलाइसिस से एंटर करेगा रेस्पिरेशन में और ग्लाइकोलाइसिस से बनेगा पाइरूविक अम्ल, पाइरूविक अम्ल कन्वर्ट होगा एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम में प्रवेश करेगा क्रेब्स साइकिल में और क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में और उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो बचा ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। तो ये जो है
ये क्रिया, ये ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, ये आपको ध्यान रखना है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। और जो क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो चाहे हम एरोबिक श्वसन पढ़े, चाहे हम अनएरोबिक श्वसन पढ़े, कोई सा ही रेस्पिरेशन पढ़े, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस दोनों ही श्वसन में पाया जाएगा। और ये कहा होता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में इससे बनते हैं पाइक्लिक एसिड। अब ये हम एक एक करके इन सब देशों में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा और आगे कि क्या हो सकता है। देखो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, ठीक है, इस मॉलिक्यूल से ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया द्वारा बनते हैं पाइरूविक एसिड। तो पाइरूविक एसिड में दो कार्बन होते हैं, सॉरी तीन कार्बन होते हैं, तो यहां पर पाइरूविक अम्ल के बनते हैं दो मॉलिक्यूल। तो इसमें तीन कार्बन है, यहां पर छह कार्बन है, तो एक मॉलिक्यूल से यानी कि ये एक मोल है ग्लूकोज का, एक मोल से बन जाते हैं दो मोल, और इससे फिर यहां से CO2 बाहर निकल जाती है, तो CO2 के दो मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, अब रह गए चार कार्बन। तो चार कार्बन वाला जो दो कार्बन वाला जो बनता है उसका नाम है यौगिक एसिटिल कोएंजाइम ए। देखो ये एसिटिल कोएंजाइम ए के भी दो मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक, ये है। और आगे चले तो एसिटिल कोएंजाइम से फिर आगे जाके क्रेब्स चक्र स्टार्ट हो जाएगा, क्रेब्स साइकिल। यहां मैं ये कहूं कि इस नॉर्मल या जो सीधी रिएक्शन है ये आपको दिख रही है, इस सीधी रिएक्शन से अगर हम ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल अंदर प्रवेश करवा रहे हैं सबस्ट्रेट के रूप में, तो उससे एक चक्र चला सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस का, लेकिन दो चक्र चला सकते हैं क्रेब्स चक्र के, क्रेब्स साइकिल के दो चक्र चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार यहां पर दो मॉलिक्यूल बने ना, तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का दो मॉलिक्यूल पाइरूविक अम्ल में बदलता है, वो फिर बाद में दो मॉलिक्यूल एसिटिल कोएंजाइम ए में बदलता है। तो एक बार में क्रेब्स चक्र में केवल एक ही एसिटिल कोएंजाइम में जाएगा, दूसरा दूसरे बार में जाएगा। इसका मतलब है कि हम ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से एक रिएक्शन यानी एक बार तो ग्लाइकोलाइसिस कर सकते हैं और दो बार कर सकते हैं हम क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये तो हो गया ये नॉर्मल प्रोसेस, सामान्य चलता है, ठीक है। अगर मान लो हम ये कहें कि मसल्स के अंदर, मसल्स में अगर होता है तो मसल्स में देखो थोड़ा उल्टी कहानी होती है कि जो पाइरूविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लैक्टिक एसिड में यानी कि लैक्टिक एसिड जैसे हम कोई काम करते हैं और कुछ ऐसा काम जिसमें ज्यादा एनर्जी खर्च हो, थकने वाला काम, तो हम जैसे मानो कोई दौड़ लगा रहे हैं, तो दौड़ लगाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं और तब लगता है कि रुकना चाहिए, नहीं तो हम गिर जाएंगे या बिल्कुल अब नहीं दौड़ सकते। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, इस नॉर्मल प्रोसेस से उतनी ही एनर्जी प्राप्त होती है या जनरेट होती है जितनी एनर्जी हमको एक सामान्य अभिक्रिया, सामान्य क्रियाओं करने के लिए आवश्यक होती है। लेकिन अगर हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए और बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, भैया हम बहुत तेजी से कोई काम कर रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो हम जल्दी थक जाएंगे। अगर हम धीरे धीरे नॉर्मल काम करते रहेंगे तो हम नहीं थकते हैं, जैसे हम दिन भर काम करते रहते हैं, कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं लेकिन थकते नहीं हैं। लेकिन वही काम अगर हम 10 मिनट में करना चाहें, बहुत तेज भागना चाहें, हम कहें भाई आपको 2 किलोमीटर भागना है और 5 मिनट में भागना है, तो आप एकदम से बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट अपनी सेल से अपनी बॉडी से करोगे। तो उस रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रोसेस है ना, ये तो उतनी ही एनर्जी बनाएगा जितनी आपको पहले जरूरत थी, लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो ये प्रोसेस जो है वो बंद हो जाएगा और जितना भी जो पाइरूविक एसिड है वो आपका लैक्टिक एसिड बदलने लग जाएगा, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड जो है वो मांसपेशियों में जमा होगा, डिपोजिशन के होने से यानी कि लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन होने से या जमाव होने से हम थक जाते हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं,
उसके बाद हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं, और जब बैठ जाते हैं तो हम वापस से थोड़ा थोड़ा करके हमको रिलीफ होने लगता है। क्यों? क्योंकि अब ये बंद हो जाता है, इसका फॉर्मेशन बंद हो जाता है, और यही बाद में कन्वर्ट होता है कि इसमें पाइरूविक एसिड में, और फिर नॉर्मल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, मसल्स में ऐसा होता है। एक और रिएक्शन, और वो रिएक्शन है कि अगर मान लो एनएरोबिक है, एनएरोबिक यानी कि अवायवीय श्वसन है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन अगर हो रहा है, तो उस कंडीशन में कैसे होता है? देखो, उस कंडीशन में एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है प्लस 2CO2, यानी कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से C2H5OH प्लस 2CO2 बनता है एनएरोबिक में, जब ऑक्सीजन नहीं है। देखो, यहां तक की रिएक्शन मैंने बताया ना, ये क्रिया ग्लाइकोलाइसिस में होती है, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया साइटोप्लाज्म में होती है, और साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तो फिर ये एनएरोबिक रिएक्शन, या इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो फर्मेंटेशन के अंदर आपको पता ही है, C2H5OH अल्कोहल बनता है और CO2 बनती है। अगर मान लो हमको ऑक्सीजन ना मिले और हम अवायवीय श्वसन यानी कि दम घुटने लगता है, तो दम घुटने की कंडीशन में ये क्रिया बंद हो जाती है, और पाइरूविक एसिड से सीधा क्या बन जाता है, ये एनएरोबिक श्वसन के द्वारा या फिर फर्मेंटेशन के द्वारा डायरेक्ट इससे एथिल अल्कोहल और CO2 बन जाती है। तो इससे बेहोशी आती है, और कुछ देर बाद मूर्छा, बेहोशी, कोमा, लास्ट में डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका भविष्य है। हमको ये पथ पढ़ना है, सीधा वाला। ये इसमें तीन क्रियाएं हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रिप्स साइकिल, और लास्ट में है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे यहां से ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज से। आज ये जनरल ओवरव्यू था रेस्पिरेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।